भगवान से मांगो भी तो क्या मांगो, बोले प्रभु बस आपका याद बना रहे, बस ये ना छूटे, ये ना छूटे, बाकी सब कुछ छूट जाए तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं। ये भक्त का लक्षण है। अब कोई संसारी को ये बात बताओ तो वो नहीं मानेगा, उसको तो बस इतना चाहिए सोमवार को शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊं और शंकर जी मेरी मनोकामना पूरी कर दें, बस बम बम भोले बम बम भोले, बस ये उसको रुचिकर लगता है। पर मैं बात यहाँ जो कर रही हूँ ये भक्ति वालों की बात हो रही, भजनानंदियों को। शबरी लड़ी थोड़ी राम जी से कि हम बचपन से पचपन के हो गए, तुम नहीं आए, आज आयो जाओ, हमको तुम्हारा मुंह नहीं देखना। संसार में यही होता है ना, संसार में जो जिसको हम तथाकथित प्रेम का नाम देते हैं, आपने अपने किसी मित्र प्रियतम से मिलने का समय दिया, वो आधा एक घंटे भी लेट हो जाए ना तो आपका मुंह बन जाता है, मुंह फुला के बैठ जाते, अब आयो घड़ी देखो। कई तो व्यंग में बोल देते, प्रधानमंत्री जी आप आ गए, बड़े व्यस्त थे। शबरी को सालों बीत गए प्रतीक्षा करते करते, पर उसने शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं आए। एक भरोसा, मेरे गुरु ने कहा है शबरी पुत्री तेरे राम जरूर आएंगे, बस एक शब्द पर पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। मुझे राम पर भरोसा नहीं है, पर मुझे अपने गुरु की वाक्य पर भरोसा है, मेरे गुरु का शब्द झूठा नहीं होगा। राम ना भी आए लेकिन उनको मेरी गुरु की लाज रखने के लिए आना पड़ेगा, ये होता है भरोसा। हिले ना भरोसा, टूटे ना भरोसा, और गुरु वाक्य तो वास्तविकता में शास्त्र का वाक्य झूठा हो सकता है पर गुरु का वाक्य झूठा नहीं हो सकता। बस ऐसा गुरु में समर्पण किसी का बस जाग जाए, जागता नहीं है सबका, पर जिसका गुरु में समर्पण जाग जाए उसको भगवान भी उसकी सेवा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं कि वाह क्या गुरु निष्ठा है, क्या गुरु भक्ति है, भगवान पीछे पीछे उसके भागते हैं, ऐसी गुरु की कृपा। जैसे किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति का केस चल रहा हो, वो केस को लड़ने के लिए एक वकील चाहिए होता है, वकील केस को जितवाता है, उसको भले पता हो कि मेरा जो वकील है, जो मेरा क्लाइंट है, ये गलत है, पर फिर भी वो लड़ता है उसको जितवाने के लिए, उसकी बात को सही साबित करने के लिए लड़ता है। वैसे गुरु को पता है कि हम पापी हैं, गुरु को पता है हम में कोई गुण नहीं, फिर भी ठाकुर के सामने जा कर के कहेगा ना ना ये बड़ा अच्छा है, आपसे खूब प्रेम करता है। भगवान को भी फिर गुरु की बात माननी पड़ती है कि आहा ये कह रहा है तो फिर पक्का ये इसकी बात तो माननी पड़ेगी। पर शर्त है कि गुरु ऐसा हो कि जिसके भीतर न किसी प्रकार की कोई शिष्य से लालसा हो, न कामना हो, कोई इच्छा ना हो। ये नहीं कि शिष्य हमको धन देता जाए तो हम राजी, नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास एक पहुंचता है अकबर। अकबर ने जाके कहा कि महाराज आप मुझे अपनी शरणागति दे दीजिए, ये लीजिए मैं कुछ आपको धन देता हूँ, कुछ पैसा देता हूँ। आप अकबर हैं तो अकबर की तो भेंट भी अकबर जैसी होगी, बादशाह जैसी होगी, लाखों में करोड़ों में। तो कहा कि नहीं नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा मैं तुमको शिष्य नहीं बना सकता। तो अब बादशाह पने का एक थोड़ा होता है ना अभिमान, तो अकबर बोला अरे आपको ऐसा गुरु मिलेगा जो इतना धन चढ़ा रहा हो। तो गोस्वामी पाद ने हंसते हुए कहा कि
इतना धन चढ़ाने वाला शिष्य तो मिल जाएगा, पर इतना धन ठुकराने वाला गुरु तुझे कहीं मिलेगा? ये जो तू बादशाही का घमंड दिखा रहा है, इसको वापस लेकर के जा। मेरा एक बादशाह है, वो है, उसके सामने कोई बादशाह की औकात नहीं। और गुरु होता कैसा है? गुरु जब वास्तविक जीवन में आते हैं ना, तो मन से आवाज निकलती है कि ये गुरु है। और जब तक गुरु नहीं, शास्त्र इस बात का प्रमाण है, बिन गुरु भव निधि पार नहीं हो सकती। मीरा खूब परम भक्त थी, परम भक्त थी गिरधर लाल की बाल्यकाल से। बचपन से ही मीरा ने बस भजन ही किया, प्रेम ही किया गिरधर लाल से। पर एक दिन अपनी सखी ललिता के सामने खूब रो रही है, ललिता मैं इतना प्रेम करती हूँ गिरधर लाल से, मिले क्यों नहीं मुझे आज तक? फिर अपने आप ही कहने लगी, शायद मुझे गुरु नहीं मिला ना, इसलिए नहीं मिले। तभी एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, हे रानी सा, हे भाई सा, द्वार पर एक बाबा आया है आपसे मिलने के लिए। बस ये सुना और मीरा उठ के दौड़ी, भागी, और भागती 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 ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो जाकर के सीधे चरणों में गिरी। जो संत आए थे, और वो संत और कोई नहीं, स्वयं सिद्ध श्री रैदास जी पधारे थे। चरणों में गिर गई मीरा, सर उठा के देखा, दर्शन हुआ, बस चित्त ने मान लिया, यही मेरे गुरु, यही गिरधर लाल, वो मुझे दिखता है, भाग जाता है, दिखता है, भाग जाता है, वो निरंतर मुझे कैसे मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब हे गुरुदेव आप मुझ पर कृपा करोगे। मीरा जैसी परम भक्ता को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। ऐसा नहीं कि गुरु बिना कोई कहे जी हम तो खुद ही भजन कर लेंगे, हम तो खूब भजनानंदी हैं, ये सब बेकार की बात है। अपने बल से भगवान को पाना, अब एक ट्रेन के लिए, ट्रेन के डिब्बों को खींचने के लिए एक इंजन चाहिए होता है। हम हैं ट्रेन के डिब्बे और गुरु है इंजन। वो इंजन ही होता है जो डिब्बों को खींच के गंतव्य तक ले जाता है। वैसे गुरु ही शिष्य के हाथ को पकड़ करके उसको भगवत धाम तक, भगवान के चरणों तक छोड़ के आता है, बीच में नहीं छोड़ देता हाथ को। जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक साक्षात भगवान के चरणों तक ना पहुंचा। और बस मीरा को मिल गए उनके गुरु रैदास। जाति पाति गुरु में नहीं देखी जाती है। जाति ना पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे तुमको म्यान से क्या लेना देना, म्यान से थोड़ी युद्ध होता है। उसके भीतर जो तलवार रखी है वो कितनी धारदार है वो देखो। गुरु की जाति पाति, गुरु की आयु, गुरु का गुण अवगुण नहीं देखा जाता है। बस मीरा को गुरु मिल गए, फिर तो मीरा दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। जहां बाबा जी को देखती वहीं बस पहुंच जाती।